My Shishwita, welcome to my channel to be prolific vlogs. How are you all? I hope you all are fine and myself also I'm fine. And आज का वीडियो में मैं क्या दिखाने वाले आपको मालूम है? चलो मैं बताते हैं. अभी हम लोग स्कूल जाते हैं वक्त तो क्या कैरी ऑन करते हैं? स्कूल बैग. ये तो सिली क्वेश्चन है, क्यों पूछ रहे? ऐसा करके आप लोग सोच रहे हैं ना. हाँ, मैं बताते हैं आज का टॉपिक क्या है मेरा करके. तो नेक्स्ट हम लोग कॉलेज जाते हैं वक्त हम लोग क्या कैरी ऑन करते हैं? कॉलेज बैग. नेक्स्ट आप लोग वुमेन होने की बात बाहर जाते वक्त हैंड बैग कॉमनली लेके जाता है. और ट्रैवलिंग करते वक्त ट्रैवलिंग बैग हम लोग कैरी करते हैं. सो हमारा लाइफ में बैग इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते है ना. सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू वॉट इज इन माई बैग. ये तो सबको क्यूरियोसिटी रहते है किसी का बैग में क्या है करके, है ना. वो तो मेनली तो जेंट्स को बहुत रहते है. अरे हैंड बैग में इतना क्या लेके जाते है लेडीज लोग? दे वॉन्ट टू सी वॉट इज देयर इन साइड इट, इज इट इट. तो सबको रहता है क्यूरियोसिटी किसी का बैग में क्या है करके. सो आज मेरा वीडियो में मेरे बैग में क्या है करके मैं दिखाने वाले आपको. ओके, ये हैंड बैग मैंने फ्लिपकार्ट में बुक किया था. आई डोंट नो द कॉस्ट बिकॉज बहुत दिन हो गया था. एज मेरे स्कूल टीचर है तो मेरा बैग में क्या आते मैक्सिमम आप लोग तो गेस कर सकते हैं. तो लेट्स गो. ओके, इसको दो छोटा हैंडल भी है और इसके साथ और दो लॉन्ग भी है. मीन्स यू कैन कैरी विथ योर हैंड, इफ नॉट ऐसे भी आप लोग लेके जा सकते हैं. लेदर बैग है. तो नेक्स्ट कम्स, इसको सिंगल जिप है, ऐसे सिंगल जिप है. इसमें कुछ सीक्रेट पॉकेट नहीं है, सिर्फ एक ही सीक्रेट पॉकेट है आगे. इसमें हम लोग सीक्रेट पॉकेट में क्या रखते हैं आप लोग तो सबको मालूम है. जैसे हम लोग वुमेन है तो इम्पोर्टेंट चीज हम लोग इसके अंदर रखते हैं, आपको पता है. तो मैंने शोइंग दैट. एंड नेक्स्ट कम्स, ओके, मैंने एक हैंड नैपकिन लेके जाता है बिकॉज हम लोग कुछ भी चीज टच करते वक्त क्लीन करने का, नहीं तो कुछ खाने की चीज के बाद क्लीन करने के लिए, नहीं तो फेस का स्वेटिंग होते वक्त क्लीन करने के लिए हम लोग नैपकिन कैरी करते हैं. तो आई टू कैरी द सेम थिंग. नेक्स्ट इज द वॉटर बॉटल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है. हम लोग किधर भी जाएगा ना हमारा बॉटल हम लोग को लेके जाना ही पड़ेगा. एज अ टीचर हम लोग इतना चिल्लाते गला सूख जाता है चिल्ला चिल्ला के. इसके लिए बार बार वाटर पीने का रहता है. सो आई विल कैरी माई ओन वाटर बॉटल इन माई बैग. एंड नेक्स्ट कम्स, एक नोटबुक. मैंने पहले ही बताया ना आपको मैंने टीचर है करके. तो नोटबुक मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज अभी भी मैडम बुलाते हैं, नहीं तो कुछ टीचर्स लोग बताते बात करते हैं कुछ स्टडी के बारे में कुछ भी रहेगा ना तुरंत बैग से निकलते फटाक से हम लोग नोट कॉपी ऑन करके रख सकते हैं. इसके लिए मैं हमेशा एक फेयर नोटबुक बैग में रखता है. नेक्स्ट कम्स, एक छोटा पर्स रहता है. ओके, ये पर्स है ना मेरे लड़की के लिए. मेरे सिस्टर कैनेडा से भेजा था एक तो गिफ्ट उसके लिए, मेरे को अच्छा लगा तो फिलहाल मैं ये यूज कर रही हूँ. इसमें मैंने कॉइन्स और जो भी अमाउंट रहता है ना, बिकॉज मैंने पहले बताया ना सिंगल जिप है तो इसके अंदर रखने का जगह नहीं है अमाउंट वगैरह. इसके लिए मैं छोटा पर्स भी लेके जाते हैं. इसके अंदर नोट्स कॉइन्स और सेफ्टी पिन्स जो भी हम लोग रखते हैं वो सब चीज मैं इसके अंदर रखती हूँ. नेक्स्ट कम्स, अभी इस सिचुएशन में तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है. हम लोग किधर भी जाएगी तो हम लोग को ये कैरी ऑन करने का सैनिटाइजर छोटा सा बॉटल. एंड नेक्स्ट मास्क, मेक पहन के जाएगा फिर भी एक एक्स्ट्रा रखता है. मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज. हम लोग ये कब तक यूज करने का वो भी पता नहीं है. तब तक हम लोग को तो ये दोनों चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा किधर भी जाए तो कैरी ऑन करना ही पड़ेगा, है ना. एंड नेक्स्ट, हाँ, एक बिंदी पैकेट है. कभी भी वो स्वेटिंग की वजह से स्टिकर निकल जाएगा तो जब से रखने के लिए एक स्टिकर पैकेट रहता है. एंड नेक्स्ट एक क्लिप, जब भी क्लिप बाल का कुछ रबर बैंड नहीं रहेगा कुछ भी होने तो एक क्लिप मेंटेन करने का अच्छा है. मैक्सिमम मैं मेकअप नहीं करते तो लिपस्टिक आईलाइनर पाउडर ये सब नहीं यूज करते. मैक्सिमम मैं नेचुरली रहते हैं, मैं फेयर एंड लवली वो भी कुछ भी क्रीम नहीं यूज करते.
सिर्फ बाहर जाते वक्त पाउडर लगाते हैं और टिकली रख के जाते हैं, काजल वीजल कुछ भी नहीं यूज करते। कभी फंक्शन रहेगा, स्कूल का फंक्शन रहता है, कि हमारा साउथ इंडियन लोग में तो ज्यादा, मतलब हमारा कास्ट में तो ज्यादा मेकअप करने का अलाउ नहीं रहता है, इसके लिए लिपस्टिक आईलाइनर ये सब नहीं यूज करते हमें। जब भी स्कूल फंक्शन वगैरह था अच्छे से रेडी होके मेकअप के जाते हुए, तो इसके लिए मेरे बैग में वो सारा चीज नहीं रहेगा। एंड नेक्स्ट वन बिस्किट पैकेट, कभी भी भूख लगेगा तो खाने के लिए मैं सेफ्टी के लिए रखते हैं अंदर। और इसके साथ चॉकलेट बहुत रहते कि किसी का बर्थडे वगैरह था, अभी तो नहीं है, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे ना, इसके लिए चॉकलेट नहीं रहते मेरे बैग में। नहीं तो पहले इतना सारा चॉकलेट रहते, किसी का किसी बर्थडे होते रहते हैं तो बहुत चॉकलेट्स मिलते हैं। मेरे बच्चे घर आने के पहले मेरे हैंडबैग चेक करते हैं, मम्मी आज कितना चॉकलेट मिला, मेरे को दे दो करके। दे आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच माई बैग व्हेन आई कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल चॉकलेट्स के लिए। तो हमेशा हर रोज किसी ना किसी का बर्थडे रहते हैं तो चॉकलेट्स रहते हैं मेरे बैग में हमेशा। इवन आई लव द चॉकलेट। तो घर आने के बाद हम तीन जन बैठ के, मेरा लड़की, लड़का और मैं, साथ में शेयर करते हैं जितना भी चॉकलेट रहता है ना, वो तीनों शेयर करते हैं, फिर हम लोग खा लेते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स, हाँ ये टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पाउच है, ये हमेशा मैं कैरी करते स्कूल जाते हुए। इसमें पेन्स, वाइटनर, स्टेपलर, एरेजर, रेड पेन, ब्लू पेन, स्टेपल पेन्स, ये सारा चीज में छोटा पाउच में रखते हैं, ये भी हमेशा कैरी करते हैं। सो एज ए टीचर हमारा चीज हमारे पास होना ही चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैं ये छोटा पाउच में जो स्कूल का सामान रहता है वो सब इसके अंदर में मेंटेन करते हैं। एंड दैट्स इट इन माय बैग। सो आपको पता चला ना मेरे बैग के अंदर क्या क्या होता है करके, फिर आई से सबका बैग में कुछ ना कुछ चीज रहता है जिसको देखने का बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। एंड दिस इज टुडेस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।